गाइस ये है टाटा पंच ICNG के साथ में। जल्दी से मैं इसका वॉक अराउंड रिव्यू देता हूँ। सबसे पहले बात करें इस वेरिएंट की, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आप देख रहे हो। यहाँ पर जो की मिलती है कुछ इस तरह की स्मार्ट की आपको मिलती है। यहाँ से आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, बूट को ओपन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर फॉलो मी हेडलाइट का ऑप्शन भी आपको की में मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह के आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कन्वेंशनल हेलोजन हाई बीम के साथ में हेडलाइट मिल जाती है। यहाँ पर फॉग लाइट मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह के DRL, साथ में यहाँ पर जो है आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। सेंटर का जो टाटा का लोगो भी कुछ इस तरह का मिलेगा। नीचे आपको क्रोम की फिनिश मिल जाएगी। यहाँ पर जो बम्पर है वो ब्लैकआउट आपको मिलता है मैट फिनिश में। अगर आप विंडशील्ड या बोनट को देखें, काफ़ी चौड़ा जो है इसको रखा गया है। साइड से मैं जल्दी से आपको गाड़ी को चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गाड़ी जो है काफ़ी बढ़िया लगती है। यहाँ पर आपको 16 इंच के कुछ इस तरह के 12 टोन में डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाते हैं, 4 नट के साथ में। अगर आप यहाँ देखेंगे नीचे आपको काफ़ी चौड़ी थिक क्लाइडिंग मिल जाती है। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है और यहाँ पर जो ORBM है उसमें आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल आपको ORBM मिल जाते हैं। यहाँ पर रूफ रेल कुछ इस तरह की मिलेगी। यहाँ पर आपको सनरूफ भी इस वेरिएंट में मिल जाता है। पीछे अगर आप देखेंगे तो शार्क फिन एंटीना ही मिल जाता है। साइड से अगर मैं पीछे से व्यू दूँ गाड़ी का तो गाड़ी कुछ इस तरह की दिखती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ICNG की बैजिंग मिल जाएगी और यहाँ पर जो है पंच की बड़ी सी बैजिंग मिलती है। रियर कैमरा भी इस वेरिएंट में मिल जाता है टाटा के लोगों के नीचे। यहाँ पर कोई भी आपको वाइपर या फिर डिफोगर नहीं मिलता है। अगर बूट की बात करें जो कि इसकी सबसे बड़ी खासियत है, वो है यहाँ पर 210 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी यहाँ पर टाटा ने यूज की है बड़ी स्मार्टली। यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा खासा बूट मिल जाता है। पंचर किट भी आपको मिल जाती है जो कि टाटा देता है। यहाँ पर आपको पासर ट्रे भी मिल जाती है। यहाँ पर डोर हैंडल भी मिल जाता है आपको। चलिए अंदर जल्दी से चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो डोर ट्रिम पर डोल टोन कलर का यूज किया गया है। यहाँ पर पावर विंडो के कंट्रोल कुछ इस तरह के मिलेंगे। इस तरह का आपको ब्लैक पैनल फिनिश में हैंडल मिल जाता है। 90 डिग्री ओपन होने वाले ये डोर देखने को मिलेंगे। और अगर आप सीट देखेंगे तो अपहोल्स्ट्री आपको फैब्रिक की मिलेगी। यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है। साथ में अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्टेयरिंग व्हील कुछ इस तरह का मिलेगा। यहाँ पर गोल्डन फिनिश के साथ में आपको AC वेंट मिलते हैं। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। यहाँ पर फॉग लाइट का बटन मिल जाता है। यहाँ पर CNG और यहाँ पर सेंटर लॉकिंग का बटन मिल जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो पेडल्स और डेट पेडल भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह के। यहाँ से बोनट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस मिलता है। यहाँ पर आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में ये स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलती है। हॉर्न की बात करें तो इस तरह का हॉर्न मिलता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हारमन का आपको इस तरह का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसको ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर फुली डिजिटल इस तरह का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर स्पीडोमीटर आपको डिजिटल मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर फ्यूल गोज मिल जाता है। यहाँ पर RPM गोज मिल जाता है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। यहाँ पर टाटा का लोगो मिल जाता है। 2 एयरबैग के साथ में ये गाड़ी आती है और 5-स्टार रेटिंग इस गाड़ी को पहले से ही मिली हुई है। यहाँ पर 7 इंच का हारमन का इस तरह का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। सेंटर में इस तरह के 2 AC वेंट मिलेंगे। हेजल लाइट का स्विच इस तरह का मिलेगा। डैशबोर्ड की जो फिनिश है काफ़ी बढ़िया दी गई है। टेक्सचर काफ़ी बढ़िया यूज किया गया है यहाँ पर। तो ब्लैक ग्रेज और यहाँ पर वुडन टाइप का जो है टेक्सचर यूज किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैनुअल AC मिलेगा इस तरह का, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है। कोई कह नहीं सकता इसको देख के कि ये मैनुअल AC है। नीचे आपको सी टाइप का पोर्ट, USB पोर्ट, साथ में 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, काफ़ी डीप और बड़ा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। यहाँ पर भी इस तरह की गोल्डन फिनिश दी गई है, जो कि आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया। आपको USB का सॉकेट मिल जाता है, साथ में 2 कप होल्डर, इस तरह की हैंड ब्रेक मिल जाती है क्रोम बटन के साथ में। ग्लव बॉक्स को चेक करें तो यहाँ पर जो है आपको काफ़ी बड़े साइज का लाइट के साथ में ग्लव बॉक्स मिलता है। टैबलेट होल्डर भी इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्विटर मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको मैनुअल IRBM मिलता है। यहाँ पर आपको सनरूफ भी इस वेरियंट में मिल जाता है। इसको ओपन करके जल्दी से दिखा देता हूँ। इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर आपको इस तरह की लाइट देखने को मिलती है। वैनिटी मिरर इस तरफ नहीं मिलेगा, केवल टिकट होल्डर मिलेगा। इस तरफ के सनसेट में आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया व्यू गाड़ी का आ रहा है। थोड़ा सा मैं रियर में जल्दी से चेक करा देता हूँ इस गाड़ी में चल के। तो रियर डोर को ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ से रियर डोर भी 90 डिग्री में ओपन हो जाते हैं। डोल टोन कलर का आपको यहाँ पर पैडिंग में यूज मिलेगा ग्रेस कलर। और यहाँ पर जो पावर विंडो का स्विच इस तरह का मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, ट्विटर मिल जाता है। यहाँ पर कुछ इस तरह का जो है एंटर होने का एरिया मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको वही फैब्रिक फिनिश देखने को मिलेगी सीट पे। यहाँ पर ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग मिल जाती है। और इसके अंदर मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो है नी रूम इतना मिलता है, जब सीट पूरी तरह से मैंने अभी आगे कर दी है, काफ़ी ठीक ठाक जो है आपको नी रूम मिल जाता है। थाई सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड इस तरह के हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ग्रैब रियर हैंडल इस तरह के मिलेंगे। और जो हेड रूम है थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको स्कूप टाइप किया गया है सनरूफ की वजह से। और रियर से जो व्यू आता है वो कुछ इस तरह का आता है डैशबोर्ड का, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है। तो ये सब कुछ जो है टाटा पंच CNG मिल जाता है। जल्दी से मैं इसका आपको इंजन चेक करा देता हूँ। तो बोनट को ओपन कर लेते हैं यहाँ से।
तो इसमें जो इंजन मिलता है दोस्तों वही 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन मिलता है, जो कि आपको टियागो या फिर अल्ट्रोज या फिर नेक्सोन के साथ टर्बो के साथ में देखने को मिलता है। तो ये है दोस्तों इसका 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इनलाइन 3 सिलेंडर सीएनजी इंजन। सीएनजी के साथ में ये इंजन करीब 75 पीएस का पावर और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और टाटा पंच में इसका जो माइलेज निकल के आता है वो करीब 26 किलोमीटर का निकल के आता है, जबकि पेट्रोल में इसका जो माइलेज है वो करीब 19 के करीब है, और पेट्रोल के साथ में 86 bhp जनरेट करता है और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये इंजन जनरेट करता है। तो ये थी दोस्तों टाटा पंच ICNG के साथ में काफ़ी स्मार्टली जो है इसको बनाया गया है। स्पेशली इसका जो बूट है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, यहाँ पर बोनट पर पैडिंग मिलती है, और आपको पता है कि टाटा पंच जो है ऑलरेडी पहले ही से ही 5-star सेफ्टी के साथ में आती है, तो सेफ्टी की आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।